Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. Today's topic is very important. Topic is area and surface area in volume. I have taken 5 questions JAMIA NB Entrance Exam 2023 and 2 questions from JAMIA NB Entrance Exam 2018. और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसके इसके फार्मूले को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जामिया हिस्ट्री में फ्रॉम 2015 की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं और इस टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। सब जिन बच्चों ने 2023 में नहीं किया होगा कि 5 क्वेश्चन पूरी तरह से वो लॉस्ट हो गए होंगे, उसे वो नहीं कर पाए होंगे। और ये सिर्फ फार्मूला समझना है। और एक चीज और मैंने देखी है, बच्चों से मैंने जब बात किया है तो कहते हैं सर इसे बहुत फार्मूला होता है, हम कैसे करें इस चैप्टर को। तो आप सभी फार्मूले को एक साथ में लें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब ये हमारा बेस है रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर है, तो हम रेक्टेंगल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उसका फार्मूला दिमाग में प्रिजर्व करेंगे। जब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो जो भी फिगर होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिया, उसका फार्मूला लिया, फिर उसी फार्मूले को समझने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो वो फार्मूला हमारे दिमाग में अच्छी तरह से प्रिजर्व हो जाएगा। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी और ईच एंगल जो होता है उसका वो 90 डिग्री होता है, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। एक साइड को हम लेंथ कहते हैं, दूसरी साइड को हम ब्रेथ कहते हैं। तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ, तो अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये भी लेंथ एल के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, बी के। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया जो होता है ऑक्यूपाइड स्पेस, जो 20 का पूरा स्पेस इसे हम कहते हैं एरिया। एरिया इज नथिंग बट दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसकी जो यूनिट होगी, यू शुड रिमेंबर, ये हमेशा स्क्वायर में होगी। अगर दोनों साइड को हमने मीटर में मेजर किया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में मेजर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि एक साइड डिफरेंट, ये मीटर में सेंटीमीटर में, तब एग्जामिनेशन हॉल में मुझे देखना चाहिए कि आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है। अगर मीटर में आ रहा है तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे ये मीटर में है ये सेंटीमीटर, तो सेम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दोनों हमारे लेंथ और ब्रेथ मीटर में हो जाएगी। तो इसकी यूनिट आप लिख लें, जो भी होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें दी होगा वो स्क्वायर में होगा। कर्व द पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी। ये कैसे होता है? पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर का मतलब होता है, पैरा मतलब होता है बाउंड्री, पेरिफेरी, और मेटर मतलब होता है मेजरमेंट, तो बाउंड्री का मेजरमेंट। तो आप अगर इसको यहां से चलना शुरू करें, ए पॉइंट से यहां गए एल, फिर यहां गए बी, फिर वापस यहां आए अगेन एल, फिर यहां से यहां गए ए पर, तो क्या हो जाएगा बी। तो देखिए दो बार एल है, ट्वाइस एल ट्वाइस बी, तो टू वी कैन टेक कॉमन, तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी, दिस वन इज द पैरामीटर। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पैरामीटर की जो यूनिट होगी वो हमेशा अगर मीटर में है तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, इसमें स्क्वायर नहीं लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। अब कम टू द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? ये इस वर्टेक्स अगर इसको मिला देते हैं, सपोज के लिए ये पॉइंट बी, ये सी है, ये डी है, तो एसी जो होगा वो डायगोनल होगा। तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, तो एसी का स्क्वायर जो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एसी हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल को अगर हम बी से डिनोट कर दें तो डायगोनल इज नथिंग बट दिस इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो ये डायगोनल भी हम लोगों ने समझ लिया। हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए जो डायगोनल के ऊपर बेस्ड हो। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने फार्मूले थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए और आपको इसे दिमाग में प्रिजर्व कर लेना चाहिए। बहुत ईजी है, टफ नहीं है। और डायगोनल भी लेंथ है तो डायगोनल की यूनिट भी मीटर में या सेंटीमीटर में, जिसमें आपने मेजर किया होगा दोनों साइड को, उसी उसकी यूनिट होगी। कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो इस तरह से एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसकी ब्रेथ को हम एक्स मान लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी? ये 3x हो जाएगी, राइट? इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट दिस पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज दिस, तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल की पैरामीटर क्या होगी? यानी कि हमें लेंथ, ब्रेथ, लेंथ पता चल जाती है या ब्रेथ पता चल जाती है, उससे हम लेंथ भी निकाल लेंगे और हमें पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एरिया नहीं दिया है, एरिया हम इनडायरेक्टली दिया गया है। एरिया निकालने का देखिए सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है?
27540, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 367.2 से डिवाइड कर देंगे, जो पर मीटर पर स्क्वायर मीटर में जो कॉस्ट होती है उससे डिवाइड करने पर 36.2, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा, दैट विल कम आउट इनटू द मीटर स्क्वायर। अब इस चीज को समझने की जरूरत है, ये कैसे मैंने डिवाइड किया। सपोज कर लीजिए कि आपके घर में एक ऐसी वॉल है जो 10 मीटर उसकी लेंथ है, 10 मीटर उसकी क्या है ब्रेथ या हाइट मान लीजिए जो भी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ, इट्स वेरी सिंपल। अब आपने किसी को आपने हायर किया कि इसको मुझे पेंट कराना है, उससे आपने पूछा कि क्या चार्जेस आपके होंगे, तो उसने कहा कि आपसे जो मैं चार्ज लूंगा वो हमारा चार्ज होगा 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का जो चार्ज होगा वो 100 रुपीज होगा। तो कितना पे करेंगे आप उसको, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आप बताइए, टोटल कॉस्ट इट्स वेरी सिंपल, इस 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज आपको उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का वो 100 रुपीज दे रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये चीजें मैं हटा दूँ, आपने किसी से बताया कि भैया अभी जस्ट मैंने इस वॉल को पेंट कराया है और हमने 10,000 रुपये उसे पे किए हैं और रेट जो था वो 100 पर मीटर स्क्वायर है, तो उससे पूछेंगे, उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई कितना एरिया हमने पेंट कराया है, या आप खुद निकाल सकते हैं कि कितना एरिया हमने पेंट कराया है। अगर आपको ये पता है कॉस्ट है 10,000 रुपये और पर मीटर का रेट कितना है 100, तो आप क्या करोगे इसे 100 और पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये मीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया जब भी निकालना हो टोटल कॉस्ट जो आपने पे किया था वो और एक मीटर का जो रेट है वो 100 पर मीटर स्क्वायर, इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 100 से 100 दो जीरो कट हो जाएगा और ये मीटर ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एरिया 100 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बस इतनी ही सी चीज थी जिसे आपको समझने की जरूरत थी, बाकी कुछ भी नहीं है, यही मेन है आपका। अब एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 27540, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3672। अब पहले हम 3 से इसको कट कर दिए, 3 इसके डिवीजन में आएगा तो इसको कट कर देगा, ये हो जाएगा 3 9s 3 1s 24, राइट। तो यानी कि ये हमारे पास आ गया x into x x square। अब आप इसे ध्यान से देखें, 918 और यहां पे 00 लिख लें और 918 इसे हम पहले इस तरह से लिख ले, 918 into 100 कर दिया, 100 को मैंने अलग कर दिया, क्यों किया है, क्योंकि आपको सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए 18 4s 72 होता है और 9 4s 36 होता है, दैट मींस ये 4 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा आसानी के साथ, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 25 में 25 5 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। कितनी आसानी के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ इसमें देखने में लग रहा था कि नंबर बहुत बड़ा से कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, लेकिन ये टफ नहीं था। अब ब्रेथ हो गई यहाँ पे 5 और 5 3 कितना हो गया 15, और ये सब पैरामीटर आपको फाइंड करना है, पैरामीटर आप बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है ट्वाइस लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 5, ये हो जाएगा 20 22 कितना हो गया 40। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और मैंने बताया था पैरामीटर की यूनिट जो होगी, जो यूनिट इसकी होगी वही होगी, यानी कि मीटर में आ जाएगा, तो 40 meter days राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। Now I will take next question. Again, Jamia MB 2023 का question है। Perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of a square. Whose area is this? तो पहले question में मैंने एक साथ formula नहीं लिखवाया कि बच्चे थोड़े से boring feel करने लगते हैं। हमें rectangle मिला, rectangle का पूरा मैंने बता दिया आपको। अब square मिलना है, तो square क्या होता है? Square भी एक special type of parallelogram होता है, जिसकी all side equal होती है। Each angle कितना होता है? 90 degree होता है। और एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी आपस में इक्वल होगी। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, तो साइड को हम ए ले लेंगे, ये ए ये ए, तो एरिया बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि ए इंटू ए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और पैरामीटर अगर हमें निकालना है, इसकी भी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर की यूनिट, हमेशा एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी, मीटर स्क्वायर,
और पैरामीटर जो है हमारा a प्लस ए टू ए थ्री ए फोर है, यानी कि फोर इंटू साइड ये होगा, और पैरामीटर के यूनिट जो होंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, जिसमें दिया होगा साइड उसी में हम इसकी यूनिट लेंगे। और इसका डायगोनल याद रखिएगा, डायगोनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइड रूट टू होता है। डायगोनल में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, डायगोनल जो होता है ये साइड रूट टू, ये साइड ए और ये रूट टू, साइड रूट टू होता है डायगोनल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, अगर आप रेक्टेंगल से इसे रिलेट कर लो बहुत आसान है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सारी पैरामीटर यानी कि बाउंड्री का लेंथ इनको हमने सम कर लिया, ये आ गया 4 इंटू साइड, डायगोनल साइड रूट टू। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमने मान लिया, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ क्या है बी है। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल जो है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हूज एरिया, इस रेक्टेंगल का स्क्वायर का जो एरिया दिया गया है ये दिया गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर की साइड फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर की साइड हमने मान लिया ए है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दिया गया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू रूट 400, यानी कि इसे हम 20 × 20 लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स, मैं इसे मिटा देता हूँ और स्पेस चाहिए मुझे, तो ए स्क्वायर की जो साइड हमने निकाली है वो निकाल लिया हमने 20 सेंटीमीटर, राइट। और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन रेक्टेंगल जो है इसमें क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब किसी को 40% मोर करना है, दो तरीके हैं, आप 20 का 40% निकालें और उसमें ऐड कर दें। दूसरा सिंपलेस्ट तरीका यह है कि आप डायरेक्ट उसका 140% आप निकाल लें, तो ये दो जीरो कट हो जाएगा, 42 का कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो गई 28, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया रेक्टेंगल की। अब हमें और क्या चीज़ें फाइंड करनी, 40% मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो अब हमारा प्राइम एम क्या होगा, हम इसकी ब्रेथ फाइंड करें। ब्रेथ हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें पहली कंडीशन दी थी उसका हम यूज करेंगे। पहली कंडीशन क्या दी गई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा 4 × साइड। तो इसे हम कट कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, और ये 2a, a की वैल्यू क्या निकाली, अभी हमने 20 निकाली है, और यहाँ पे l हमने कैलकुलेट कर लिया है 28, वी नीड टू फाइंड हियर b, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 40 − 28, तो 40 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12। तो ब्रेथ हमने कितनी निकाल ली, 12 निकाल ली। तो अब ये ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड कर ली है, ये कितना आ गया 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड हेयर, हमें जो फाइंड करना है साइड ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी यहाँ पे 12, इसी को आप मल्टीप्लाई कर ले, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर। अब ये मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर आपने एक दो महीने भी तैयारी की है तो एटलीस्ट 12 का टेबल तो आपको पता होना चाहिए। 12 रेड सा कितना होता है 96, 9 रिमेनिंग, 12 टू सा 24 में वी नीड टू ऐड द 9, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 3 3 6, इज देयर एनी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने दो फार्मूला सीख लिया, एक तो रेक्टेंगल के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली, और दूसरा जो है स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में भी सारी चीज़ें, दोनों बिल्कुल रिलेट है। अब इनके जो फार्मूले हैं आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। अब देखिए कितना लग रहा है, कितना डिफिकल्ट होगा। अब देखिए मैं इसमें देखिए मिक्स करके आपको क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है वो हम अभी आपको बताएंगे। इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, अब सर्कल की बात आती है तो हम देख लेते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है और ये सेंटर है, और एक कॉर्ड जो सेंटर से जाती है इसे बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर अगर आपको दिया है तो रेडियस निकालनी है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, डायमीटर का हाफ,
एरिया ऑफ द सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया है तो इसकी भी यूनिट स्क्वायर में ही होगी, वेदर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इन जनरल हम 22/7 लेंगे या एज पर नीड 3.14 जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ये डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर, अगर आर 7 का मल्टीपल दिया है तब तो हम 22/7 लेंगे, और आर अगर 7 का मल्टीपल नहीं है तो पाई की वैल्यू 3.14 हमें पता होनी चाहिए। दो वैल्यू आपको दिमाग में बैठा लें। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें और उसको ओपन करें तो लंबा सा थ्रेड मिलेगा, धागा। तो अगर मान लीजिए ये सर्कल हमारा धागे से बना हुआ है तो उसकी लेंथ, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये होता है 2πr, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर इसी को बीच से हम कट कर देते हैं तो दिस बिकम सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया तो हाफ हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं एरिया की तो 1/2πr² हो जाएगा। और अगर ये फिगर, ये हमारा ज्वाइंट नहीं है तो इसकी सर्कमफ्रेंस जो हो जाएगी ये हो जाएगी 2πr का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर। यहाँ पे पूरे का होता है 2πr, यहाँ से चलना शुरू करें तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर। लेकिन एक बार अलीगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, इससे से फिगर बना करके दिया गया था कि जैसे एक स्टूडेंट है वो इस जैसे वो दिया गया था पार्क इस तरह से कवर करता है फिर वापस आ जाता है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगी या इसका सर्कमफ्रेंस, इसकी जो पैरामीटर हो जाएगी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस यानी कि पाई आर, और यहाँ से जब आएंगे तो ये क्या है डायमीटर है तो इसको भी हमें ऐड करना है। तो ये फिगर पे ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि एरिया जो सॉरी सर्कल के बारे में और सेमी सर्कल के बारे में। अब देखिए एक एक क्वेश्चन से जो रिलेटेड फार्मूले हैं वो अगर आप दिमाग में प्रिजर्व करते चलेंगे तो आपके लिए टफ नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हो। फार्मूले को रिलेट करें, जैसे सर्कल का आपको पता है तो सेमी सर्कल का आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है, एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है 75.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम रेडियस मान लेते हैं आर, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दिस इज 75.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स अगर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना ऑब्वियस हमें आर निकालना होगा एनी हाउ। अब ये क्वेश्चन अब देखने में देखिए कैसा टफ लग रहा है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ आपको करना कैसे है। पाई की वैल्यू 3.14 लें, आर स्क्वायर 75.44, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 75.44 डिवाइडेड बाई 3.14। अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें अप्रोक्सीमेशन, जैसे मैंने बताया था पहले कुछ क्लासेस में कि जैसे अगर आपको लिखा हुआ है 9.6 लिखा हुआ है तो हम इसे 10 ले सकते हैं अप्रॉक्स में, तो हम इसको क्या ले लें 3 ले लें, ये वैल्यू डेसिमल के बाद जो 1 है ये 5 से छोटी वैल्यू है तो इसे अप्रॉक्स हम ले सकते हैं 3, और इसे अप्रॉक्स हम ले लें 75, तो ये हो जाएगा हमारा, इससे कट कर देंगे तो दिस बिकम्स 25। अगर इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली आप डिवाइड करने बैठ जाएंगे इट विल टेक टाइम, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो देखा आर हमने निकाल लिया, आर कितनी आसानी से निकला है, अगर आप इसको मैनुअली पूरा डिवाइड करते तो टाइम लगता, और ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, कई साल से क्वेश्चन 2019 में 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से पूछा गया है और बीबीए के एग्जाम में भी पूछा गया अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन। तो जैसे लाइक आपको इस तरह का नंबर मिल जाता है 31.09, अब इसका स्क्वायर करना है ओबियस, ये हमारी 30 दिया गया है 30.09, तो इसको 09 को क्या ये क्या करेंगे 30.09 अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा, तो यूनिट टू स्क्वायर ओनली 30 कि नॉट दिस। तो यहाँ पे भी हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है तो आर की वैल्यू क्या निकला है 5। अब हमें क्या फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, सर्कमफ्रेंस जो होगी वो ऑफ द सर्किल वो 2πr के बराबर होगी, राइट 2। अब फिर से रुकिए यहाँ पे, पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे या 22/7, अब देखिए डिसाइड करते हैं। 5 हमने यहाँ पे ले लिया, रेडियस जो थी 5 थी, रेडियस की वजह से हमने 5 पुट कर दिया, 5 टू सा 10 हो जाएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 होगा, तो 31.4 के नियर आंसर क्या होगा। अब इससे अगर थोड़ा सा लिटिल बिट हम डाउन करते हैं तो ये अप्रॉक्स वैल्यू जो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी ये, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 30.8 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि अब यहाँ पे आंसर ऑब्वियस यही होगा 30.8 सेंटीमीटर, तो
इस तरह से अप्रोक्सीमेशन यूज करके इस क्वेश्चन को कितनी मतलब इजी वे में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना चाहिए अप्रोक्सीमेशन का। कभी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में पूरा आप एग्जैक्ट डिवाइड करें, अगर आप गेस करके आंसर भी निकाल सकते हैं तो आपको निकाल लेना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आया हुआ है 2023 में। सिस्टम 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंसिस्ट ऑफ वाटर अप टू द ब्रेथ ऑफ द 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका भी कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा हमारे घरों में जो टैंक होता है, सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो इन जनरल हमारा जो है क्यूब के शेप में होता है या क्यूबाइड के शेप में होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 फिगर के फार्मूले हम लोगों ने देख लिए हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। आई थिंक ये तीनों बहुत आसान थे, ये और भी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये जो एग्जांपल होता है, जैसे आपके घर, आपके जो आप जिस रूम में बैठे हुए होंगे उसके अगर वॉल अगर आप देखें, चारों वॉल, तो ये चारों वॉल होंगे, चार सरफेसेस होंगे, एक बेस जो जमीन है, एक छत, तो ये मिला करके ये हमारा सरफेस जो बनता है इसे हम कहते हैं। अगर ऑल साइड इसकी इक्वल होगी तो इसे हम क्यूब कहते हैं, अगर ऑल साइड में से कोई एक साइड में अगर डिफर कर रही है तो क्यूबाइड कहते हैं। तो इसे हम लेंथ, ब्रेथ और ये होती है हाइट। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल इसी को हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लैटरल सरफेस एरिया, दैट मींस जो सरफेसेस हमारे इस तरह से खड़े हुए हो लैटरल, और ये तो चार वॉल होगी, उनका एरिया जो हम निकालेंगे, आप ऐसे निकाल करके देखिए क्या आएगा। इस वॉल का अगर एरिया निकालेंगे तो L into H हो जाएगा, L into H, तो इसकी बैक वाली का उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ पे इस वॉल का एरिया जो हो जाएगा B into H, तो इसके अपोजिट वॉल का, जैसे आपने इस वॉल का निकाला, और अगर आपका रूम बिल्कुल जो उसकी शेप बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसकी इस जो हमारी जो ये वॉल है इसके अपोजिट वाली वॉल दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस B into H, तो ये हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स। हम यहां से क्या ले सकते हैं, 2h कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, l प्लस बी। तो लेटरल सरफेस एरिया इज नथिंग बट दिस इज ट्वाइस h l प्लस बी, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल एरिया की हम बात करते हैं, दैट मीन्स बेस भी इंक्लूड कर दें और हम टॉप को भी इंक्लूड कर दें, तो ये जो एरिया कहलाता है हमारा, ये जो एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, जितने सरफेसेस हैं उनका एरिया। कभी कभी सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहता है, तो सरफेस एरिया का मतलब ही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसी में हम बेस और उसको जोड़ देंगे, तो हमारा फार्मूला जो बन जाएगा, ट्वाइस हम बाहर ले लेंगे एल बी बी एच एच, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस जितने हैं उनका सबका एरिया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल, तो डायगोनल जो होता है हमारा, डायगोनल होता है जैसे रेक्टेंगल का आपने क्या किया था, रेक्टेंगल में एल स्क्वायर बी स्क्वायर किया था, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, इसमें एक हाइट एडिशनल है तो हाइट का भी स्क्वायर करके ऐड कर दे, ये हो गया डायगोनल। तो यहां पे हमने सिर्फ एच स्क्वायर और जोड़ दिया, ये होता है डायगोनल। और डायगोनल के बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है इंटैक्ट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो एल बी और एच, एल बी और एच के बीच में मैंने डिस्टेंस बनाई है, ये बेसिकली एल बी जो होता है एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिया ऑफ द बेस जो है वो किसी क्यूबाइड का दिया गया है, और जैसे एरिया ऑफ बेस आपको दिया गया था आई थिंक 15 मीटर स्क्वायर दिया गया था, और हाइट दी गई थी 10 मीटर। तो बच्चों को वॉल्यूम पूछा गया था बच्चों से कि वॉल्यूम क्या होगा, ये आई थिंक डिप्लोमा इंजीनियर क्लास 11th में पूछा गया था। अब बच्चों ने क्या किया, इसकी हेल्प से एल और बी अलग अलग निकालना है। भाई क्यों निकालना है, आपको वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस, यानी कि ये हमारा 15 डायरेक्ट आप पुट कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को दिमाग में रखिएगा, एल बी एच होता है, लेकिन एल बी जो होता है हमारा, देखिए ध्यान से, लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला जो हमारा सरफेस होता है, सारे सरफेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, या स्क्वायर में होगा या रेक्टेंगल में होगा, तो एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो ये आपने दिमाग में बैठा लिया कि ये जो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम। अब सपोज कर लीजिए ये फिगर हमारा जो है क्यूब के शेप में, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर है, यानी कि L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, ये सब A के बराबर है। अब इसी में आपको दिमाग में बैठाना है, अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालना है तो क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ फोर वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस ए टू ए, एच भी हमारा ये है, टू टू जो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि 4 into साइड का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया वो सिंपली वी कैन से सरफेस एरिया a into a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, 6 into साइड स्क्वायर हो गया। डायगोनल अगर निकालना है तो यहां पे क्या लेंगे, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, कोई भी चीज रूट के अंदर जब होती है स्क्वायर में है तो हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइड रूट 3, तो डायगोनल होता है साइड रूट 3। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब की बात कर रहे हैं, ये यहां से जो है ये क्यूब की बात हो रही है, क्यूब में यहां पे a into a रखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, यानी कि साइड का क्यूब। तो अब देखिए एक फार्मूला आपने अच्छे से अच्छी तरह से आपने समझ लिया क्यूबाइड का, अब उसी को हमने रिलेट कर लिया किससे, क्यूब से। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, हालांकि फार्मूले की पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लेकिन जब आप फार्मूला एक क्वेश्चन का फार्मूला अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ी जल्दी दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें, और टफ नहीं है, सिर्फ इसमें फार्मूले होते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह आपको ध्यान देना है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है फार्मूले वगैरह, अब देखते हैं क्या चीज़ें दी गई है। अ सिस्टर्न दिया गया है 6 meter लॉन्ग और 4 meter वाइड दिया गया है, कंटेन द वाटर अप टू द ब्रेथ ऑफ द 1 meter 25 centimeter। एक जिस तरह से जो टैंक दिया गया ये 4 meter जो है वो क्या है, इसकी जो सॉरी लेंथ जो दी गई है 6 meter दी गई है, लेंथ जो दिया गया है असिस्टेंस 6 meter लॉन्ग, यानी कि लेंथ हो जाएगी 6 meter और ये जो ब्रेथ दी गई है वो कितनी दी गई है 4 meter वाइड है, राइट 4 meter। और इसमें जो जो पानी भरा हुआ है वाटर अप टू द ब्रेथ ऑफ द 1 meter 25 centimeter, यानी कि यहां तक हम मान लें कि ये 1 meter 25 centimeter है, इस तरह से इसमें क्या है पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी से फिल है ये पूरा एरिया, अगर आप फिगर समझ पा रहे होंगे। ये जो हाइट है यहां पर ये 1 meter 25 centimeter है, इसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, क्यों मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मीटर में दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 1.25 meter ये हाइट हो गई। अब ये क्वेश्चन में ना बहुत ट्रिक इन्वॉल्व है, अगर आप करेक्टली रीड नहीं करते इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस, किस कौन सा सरफेस वेट, वेट का मतलब जो भीगा हुआ सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, तो इसमें भीगे हुए सरफेस कितने हैं, आप ध्यान से देखें, अगर आपके घर में एक्वेरियम है आप उसको ध्यान से देखिए, एक्वेरियम में क्या होता है एक बेस है उसके बाद चारों वॉल है वो वेट है, मान लीजिए आपका एक्वेरियम इतना खाली है ऊपर से, तो ये जो छत है यानी कि जो सीलिंग वाला एरिया है ये भीगा हुआ नहीं है, तो ये एरिया हमें नहीं चाहिए। तो इसका दो तरीका है कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ सीलिंग छत का एरिया माइनस कर दें, लेकिन उससे आसान जो है वेट एरिया अगर हमें निकालना है, वेट जो हमारे निकालना वेट सरफेस का एरिया निकालना है, वेट सरफेस एरिया जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स हम ले, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है 2h l plus b, और उसमें हम क्या करें एरिया ऑफ बेस को जोड़ दें, चारों वॉल का निकाल लिया एरिया ऑफ बेस निकाल लिया, यही वेट सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस पानी है लेकिन वो वेट नहीं है, वो क्योंकि छत पे टच नहीं कर रहा है, वेट सरफेस इतनी ही मीटर हाइट तक दिया गया है इसमें पूरा, ये तक अगर आपसे ये कहता कि ब्रिमफुल है, अगर ये सेम क्वेश्चन में आपसे कहता है ब्रिमफुल पूरा मुंह तक भरा हुआ है पानी पूरा, क्योंकि तब हमारा ये सरफेस ऊपर वाला छत का एरिया भी हम लेते, लेकिन ये हमारा वेट सरफेस नहीं है ऊपर वाला, तो ये चारों वॉल और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें आपको वैल्यू डालना है, जो हमारे एच है हाइट है वो कितनी है 1.25 meter, लेंथ कितनी है लेंथ दी गई है 6 meter 4 meter और यहां पे हो जाएगा 6 into 4, ये सभी इसकी यूनिट होगी स्क्वायर मीटर में, तो लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको जो 5 का मल्टीपल्स मिलता है उनको इवन नंबर इसको तुरंत आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2.5, राइट, और ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो डेसिमल इधर आ जाएगा, दैट मीन्स ये 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर एंड 24 मीटर स्क्वायर अगेन, तो ये हो जाएगा हमारा 49 मीटर स्क्वायर। तो इज देयर एनी ऑप्शन, यस बी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, एग्जामिनेशन हॉल में आप नर्वस ज़्यादा होते हैं, आपकी माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्या पूछा गया है वेट सरफेस पूछा गया है, तो आप दिमाग पर जोर डालें क्या कौन सा सरफेस यहाँ पे वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
from Jamia MBA entrance exam 2023. It's also a very good question. और क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे हम लोग और आप लोग भी अपनी रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करें. अबाउट हैविंग द लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन द लेक, यानी कि एक बोट है इस तरह से, इस तरह की बोट है और ये किसी लेक पे तैर रहा है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ये इस तरह से. तो ये पानी का लेवल हम मान लेते हैं, ये पानी का लेवल है इस तरह से, राइट. ऐसा बोट आप लोगों ने देखा है कभी कि नहीं? नहीं देखा होगा. तो क्वेश्चन इस पे हो सकता है, द बोट सिंक बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स इनटू इट, यानी कि एक आदमी इसके ऊपर जब आता है, बैठ जाता है, बोट सिंक हो जाता है. सिंक मतलब डूबना. द मास ऑफ द मैन इज, तो पहली बात हमें मास फाइंड करना है. तो मास के लिए हमें 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा फिजिक्स क्लास 10 के, अगर आप रिकॉल करके देखें, तो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पर वॉल्यूम. और वी कैन से अगर हमें मास निकालना है तो हमें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी. तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं. देखिए बेसिकली ये बोट ये क्या होगा, सिंक हो जाएगा पानी में. लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि पानी इतने राइज कर जाता है यहाँ पर. बेसिकली क्या होगा, ये पानी में 1 सेंटीमीटर जो है वो सिंक कर जाता है, राइट. ये इतना पानी, ये पानी के अंदर डूब गया है और जो सिंक हुआ वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर जो है, यानी कि इसको हम हाइट ले लेंगे, वो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर. तो पहली बात तो हम लिख लेते हैं लेंथ कितनी है. लेंथ जो दी गई है वो 3 मीटर पे दी गई है और ब्रेथ जो दी गई है वो 2 मीटर है और हाइट को हमने 1 सेंटीमीटर में लिया है. तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू द मीटर, राइट. सेंटीमीटर को जब भी मीटर में करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, 100 से डिवाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर. ये आप दिमाग में रखिएगा. तो ये बोट सिंक हो जाता है. तो अब ये जो जितना पानी इसमें है, मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि इसमें इतना 1 सेंटीमीटर तक पानी डाला गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा. तो ये जब सिंक होगा तो बेसिकली जो भी कोई भी चीज अगर वाटर में या किसी भी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स की जाती है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आप रिकॉल करके देखें तो वो जो जो वाटर उसके ऊपर जो ऑब्थस लगता है, जो वाटर डिस्प्लेस करता है, उसकी वॉल्यूम के बराबर. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड हर द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इतना ही पानी होगा जितना पानी में डूबा हुआ है. अगर आप इमेजिन करके देखें किसी इस तरह के क्यूबॉइड या क्यूब के शेप में कोई चीज लो, उसको पानी में जब सिंक करें तो इतना पोर्शन ये डूबा हुआ है पानी में, राइट. तो इसका मुझे वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी. वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, बिकॉज ऑफ मास हमें निकालना है तो हमें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं. तो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. अब ये हो गया 3 मीटर बाय 2 मीटर और हाइट हो जाएगी 1/100 मीटर. ये मीटर क्यूब में आएगा. अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए. आप देखिए 3 × 2 = कितना आ जाएगा, 6. दैट मीन्स ये 6 किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, 80 है, 70 है, 60, 80. तो ये बी ऑप्शन हो सकता है. अगर आपको इसके बाद आप रिकॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि डेंसिटी आपने जो है क्लास 10 में पढ़ी थी, सॉरी क्लास 9 पे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के चैप्टर में वाटर की डेंसिटी, तो यहाँ पे नहीं है आपके आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. जरूरी नहीं कि सारी चीजें पता हो. और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है. तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और इंटू 1/100 ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब. तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया. वी नीड टू फाइंड द हेयर मास. मास जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम 6 × 1/100 मीटर क्यूब. और डेंसिटी ऑफ द वाटर जो होती है, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ये क्या होती है, ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और ये जो वॉल्यूम निकाला है ये आपने मीटर क्यूब में ही निकाला है. यहाँ पे आप लिख लें तो देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दैट विल कम इनटू द किलोग्राम. अब ये दो जीरो कट हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 60 kg. अब इस देखिए आसानी के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया. बस थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट था. वो क्या डिफरेंस था कि हमें मास निकालना है और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. क्लास 10 पे भी बहुत से क्वेश्चन आपने ऐसे किए होंगे कि जिसमें आपको
उसमें क्या होता है डेंसिटी इनको दे देना चाहिए। तो इन जनरल क्या होता है डेंसिटी जो है गिवन रहती है, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ये वाटर की डेंसिटी है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, टफ नहीं था, बस यही कॉन्सेप्ट था कि इसमें जो है ये हमें पहले से पता होना चाहिए मास जो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आप इसे नोट कर लें। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है दो क्वेश्चन वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से ले लेते हैं। 2018 में दो क्वेश्चन सेम इसी टॉपिक से था, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर स्क्वायर साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया। अब देखिए एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती है ना वो इस तरह से पूछी जाती है कि आपने तैयारी की है कितने लेवल पे, एग्जामिनर ये जानना चाहता है। अब आपको एरिया दिया गया स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, कितना दिया गया है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको 784 पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। अगर आपने प्रिपरेशन की और आपको ये नहीं पता कि आपने 30 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, सोचना ना पड़े। तो ए स्क्वायर जो ये होता है 784 जो होता है 28 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 28। ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर है तो ये भी 28 और ये भी 28, मीटर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसमें से फोर इक्वल साइज ऑफ द मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स और कट ऑफ, जो चार इक्वल सर्कल का इस तरह से अगर हम बात करें, ये हमारा एक सर्कल प्लेट ये और एक सर्कुलर प्लेट हमारा ये, जो मैक्सिमम हो जाएगा वो चारों वॉल को टच करेगा, इस तरह से ये कट करके निकाल दिया गया है। तो आप इस फिगर को अगर आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा ध्यान दें, ये एक सर्कल है और ऐसे ये दूसरा सर्कल है और एक ये सर्कल है, चार सर्कल है जिनके लेंथ क्या है मैक्सिमम साइज के सर्कल है। तो ओबियस ये टच करेंगे सबकी रेडियस क्या होगी आपस में बराबर वो होगी, ये फिगर प्रोपोर्शनलिटी के साथ नहीं बना हुआ है, ये रेडियस अगर आर है। अब आप दिमाग पे जोर डालें, एक बार वीडियो को पॉज करें, हमें सिर्फ रेडियस फाइंड करनी है। क्यों रेडियस फाइंड करनी है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट इज, एक प्लेट की सर्कमफ्रेंस क्या होगी। सर्कमफ्रेंस अभी हमने सर्कल में सीखा था, देखिए जो फार्मूला हम लोगों ने वहां सीखा था, यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट उसकी पढ़ रही है। सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट दिस इज अ 2πr। अब सर्कमफ्रेंस अगर हमें निकालना है तो 2π की वैल्यू 22/7 और r हमें चाहिए। अब आप इसमें बहुत आसानी से r बता सकते हैं, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है 28 सेंटीमीटर, अगर हम हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हाफ करते हैं तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और ये हुआ क्या, ये डायमीटर हुआ कि नहीं, तो ये पूरा 28 उसका हाफ आपने कर दिया तो ये 14 हो गया, ऑब्वियस ये डायमीटर है। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर आपको डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकालना है, तो डायमीटर बाई 2, 14 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7। ऑब्वियस देखिए ये पार्ट इतना, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, तभी 28 होगा। तो अब यहाँ पे हम 7 रखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, कोई दिया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये भी जामिया में 2018 का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा से कॉन्सेप्ट है इसमें। द कॉस्ट ऑफ द कार्पेटिंग अ रूम 18 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये हमारे पास एक रूम है और जिसकी लेंथ है वो 18 मीटर में दी गई है, और विद द कार्पेट ऑफ 75 सेंटीमीटर वाइड, एक कार्पेट है जिसकी विड्थ जो दी गई है वो 75 सेंटीमीटर में, इसे मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, छोटे से जब बड़ा बनाया जाता है तो डिवाइड करते हैं, 75 सेंटीमीटर विड्थ है। और कितनी कारपेट उसमें लग रही है, कारपेट की जो लेंथ अगर हम निकालें, कारपेट की लेंथ हम निकाल सकते हैं। देखिए इससे पहले वाले जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया था तो टोटल कॉस्ट को पर मीटर एरिया के स्क्वायर से डिवाइड किया था तो एरिया आ गया था। यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द कारपेट अगर हमें निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी है 810 रुपीज़ है, और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 4.5 है, तो यानी कि 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर जो आ जाएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा, लेंथ ऑफ द कारपेट हमें पता चल जाएगी आसानी के साथ। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया किससे, पर मीटर रेट, जो रेट दिया गया है 4.5 रुपीज पर मीटर आपको दिया गया है, तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान, एक जीरो बढ़ा देंगे 8100 और यहाँ पे 45, इसे मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये कारपेट की लेंथ हमने निकाल ली, लेंथ कितनी हो गई इतनी, और ब्रेथ ऑलरेडी दी गई है। जो कारपेट हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं, इसी रूम में हमें क्या है कारपेट बिछाना है, तो पूरे रूम को कवर कर ले रही है, तो यानी कि जो एरिया
रूम का होगा और जो एरिया कारपेट का होगा दोनों बराबर होगा। हम आप लोग चाहें तो उसे लिख लें, एरिया ऑफ कारपेट जो हो जाएगा एरिया ऑफ रूम के बराबर होगा, या वी कैन से एरिया ऑफ रूम जो होगा, एरिया ऑफ रूम जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ कारपेट के बराबर होगा। एरिया ऑफ कारपेट हम कैसे निकालेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप उसे नोट कर लें। विड्थ आपको दी गई है, यानी कि जो लेंथ है ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ कारपेट निकल आएगा। एरिया ऑफ कारपेट में पहले हम लिख लेते हैं लेंथ कितनी है 810045 और विड्थ कितनी है 75/100, ये एरिया ऑफ कारपेट हो गया। एरिया ऑफ रूम हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमें क्या फाइंड करना है द ब्रेथ ऑफ द रूम, तो ये 18 मीटर इनटू ब्रेथ, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। आसान देखिए कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो रहा है कि अब आप इसको 9 से कर लें, 9 9 और 0095 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, पहले 18 से कर लेते हैं, 18 5 90 होता है और ये हो गया 5 से कैंसिल करेंगे ये कितना आ गया 10 आ गया और 10 ये अगेन एक जीरो ये हमारा कैंसिल कर देगा, तो यानी कि ब्रेथ जो हो जाएगी 75/10 मीटर में होगी और 10 से डिवाइड करेंगे आपको पता है एक प्लेस पे डेसिमल लग जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 7.5 मीटर, तो ब्रेथ ऑफ द कारपेट क्या होगी 7.5 मीटर। तो 2018 में जो है इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2033 में सेम चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लेकर के आएंगे अदर क्वेश्चन कुछ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और उसी तरह से जो फिगर हम ड्रॉ करेंगे उसका हम फार्मूला सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर टफ नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।